दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सेलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है हम लोग बात कर रहे हैं अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में, और लास्ट क्लास में हमने अपने अध्याय 14 जो कि था हमारा गणितीय कथनों की जांच, इसको स्टार्ट कर चुके थे। पार्ट नंबर 1 के वीडियो में हमने 1 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ लिया। मैंने आपको टोटल 14 क्वेश्चन कराए हुए थे, बिल्कुल आप उसको जाकर देख सकते हैं। आज किस क्लास में बच्चों मैं आपको पार्ट नंबर 2 में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि 3 नंबर के लिए पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। तो बिल्कुल बच्चों आज आप मेरे साथ जुड़ जाओ और आज किस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए। तो बच्चों हमारा जो मिशन चल रहा था उसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं टकेश्वर साहू आप सभी लोगों को कक्षा 10वीं विषय गणित को पढ़ाता हूं। और बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो अध्याय 14 गणितीय कथनों की जांच, और ये होने वाला है भाग दो में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 3 नंबर के लिए पूछे जाने के चांसेस बनते हैं, इसको हम करने वाले हैं। इसमें कोई भी फॉर्मूला वगैरह नहीं आता है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम सवालों पर ही समझ लेंगे। तो बच्चों हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ना पसंद करेंगे, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आ चुका, बिल्कुल आ जाओ। चलो एक बार पढ़ लेते हैं कि सर यहां पर क्या दिया गया और हमें क्या निकालना है, बिल्कुल देख लो। चलो एक बार पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। तो बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि 2n+3 पूरे की घात 2 -2n -3 पूरे की घात 2 का एक गुणनखंड है जहां n एक प्राकृत संख्या है। यानी कि बच्चों हमें यह सिद्ध करना है कि यहां पर जो आपको यह दिख रहा है ना, इसको प्रूफ करके दिखाना है कि यह 8 का गुणनखंड है, यह 8 के पहाड़े पर आता है। गुणनखंड का मतलब होता है पहाड़ा ही पड़ना है, मतलब कि यह जो आपको दिया गया है उसको प्रूफ करके दिखाना है कि 8 के पहाड़े पर आता है, बिल्कुल कर देंगे। पूछा गया था 2020 सेट बी में, 3 नंबर के लिए सेट बी में पूछा गया था, बिल्कुल कुछ भी दम नहीं है, एक बन जाएगा, पूरा एक पेज बन जाएगा। तो सर हम इसका आंसर कैसे दें कि हमें पूरा में पूरा नंबर मिले, बिल्कुल आ जाओ। देखो तो क्या करो, सबसे पहले यहां पर लिखो हल, बिल्कुल सर हमने लिख दिया यहां पर हल। देखो चलो पहले तो अपने बोर्ड को मैं 2 भाग में बांट देता हूं ताकि मैं सारी चीजें आपको एक ही जगह समझा पाऊं, बिल्कुल। देखो मैं अपने बोर्ड को ऐसे 2 भागों में बांट दिया, ठीक है, चलो या फिर नहीं बांटते कोई दिक्कत नहीं है, इसी बन जाएगा, ठीक है, आ जाओ। देखो तो सर अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखें कि हमें पूरा 3 में 3 नंबर मिले। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करो, जो दिया गया है उसको छाप दो। तो क्या दिया बच्चों, चलो बोलो, दिया है हमें क्या दिया गया है, तो दिया है करके मैं लिख रहा हूं क्या दिया, चलो बोलो। ये सर दिया गया था 2n+3 पूरे की घात में 2 दिया गया था, फिर माइनस, फिर क्या था, 2n-3 पूरे की घात में 2, सर ये हमें दिया गया है, बिल्कुल दिया गया। अब हमें प्रूफ करना है कि ये 8 का गुणनखंड, कैसे करेंगे, चलो मैं आपको तरीका बताता हूं। देखो बच्चों इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल सर कर सकते हैं, कैसे, देखो अगर मैं 2n को मान लू a लिया और 3 को हमने मान लिया b, ये लिखना नहीं है, बिल्कुल अपने कॉपी में इसको लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो हमने देखो 2n को मैं मान रहा हूं a और मैं 3 को मान रहा हूं b, ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो यहां पर a+b² वाला मुझे फॉर्मूला दिख गया, a+b पूरे की घात 2 वाला। बच्चों आपका कक्षा 8वीं का फॉर्मूला दिख चुका है, कौन सा मैं बोल रहा हूं, चलो बोलो कौन सा फॉर्मूला, चूंकि ये होता सर a+b पूरे की घात 2 बराबर ये होता सर a² प्लस का b² और प्लस का ये होता है 2ab, मैं इस फॉर्मूले का यहां पर यूज करने वाला हूं। सर कैसे फॉर्मूले का यूज करेंगे, आ जाओ बिल्कुल देखो, मैंने बोला है कि 2n जो है वो a की वैल्यू है और जो 3 है वो b की वैल्यू है, तो इसका विस्तारित रूप ये होता है, तो इसको भी हम इसी फॉर्म पर लिखेंगे, जहां जहां पर a दिखेगा वहां पर आपको चिपकाना 2n को, और जहां जहां पर b दिखेगा वहां पर चिपकाना आपको किसको, 3 को चिपकाना, बिल्कुल सर चिपका देंगे, आ जाओ देख लो। तो पहले में क्या था a² और a की जगह यहां पर क्या है 2n है, तो हम लिखेंगे 2n और पूरे की घात में लगा देंगे, सर ये 2 मैंने घात में लगा दिया 2, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर क्या था, फिर प्लस का b² और b की जगह मैं बोल रहा हूं कि 3 को चिपकाओ, सर 3 को चिपकाया और घात में मैंने लगाया 2 क्योंकि b² था, फिर प्लस का 2ab था, यानी कि 2 है और इनटू में क्या बच्चों a है और a की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 2n ना, तो 2n चिपकाएंगे, इनटू फिर क्या था बच्चों यहां पर b था, तो बिल्कुल b की जगह आपको चिपकाना पड़ेगा सर 3, हमने चिपका दिया, ठीक है। चलो यहां तक की कहानी सर हमें अच्छे से तो समझ में आ गई है, लेकिन सर आगे का क्या करेंगे, मुद्दा यह है कि आगे का अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाओ। देखो यहां पर माइनस का चिन्ह, माइनस का पहले चिन्ह लगा दिया सर, अब देखो
चलो अब ब्रैकेट लगा देते, देखो सर यहां पर भी मैं अगर इसको ए ले लिया और इसको बी ले लिया तो यहां पर ए माइनस बी पूरे की घात दो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल बच्चों आपने सही कहा, हम यहां पर फॉर्मूला लगाने वाले हैं ए माइनस बी पूरे की घात दो बराबर। चलो बोलो कौन कौन से बच्चों को याद है इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर ये होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ये लिखाता है 2ab। बिल्कुल बच्चों आपका जवाब सही आ चुका है, बिल्कुल ये फॉर्मूला होता है। तो ए की जगह हम रखेंगे 2n और जहां जहां पर b दिख रहा है वहां पर हम चिपकाएंगे, तीन को चिपका दो बैठा क्यों, आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ए स्क्वायर ए की जगह मैं बोल रहा हूं कि 2n को चुपका, सर 2n को चुपकाया ब्रैकेट में लिया और इसमें मैंने लगा दिया घात दो। ब्रैकेट में क्यों लिए है? क्योंकि जो घात दो है वो दो का भी है और n का भी है तो हमने इसको ब्रैकेट में लिया हुआ। बिल्कुल अब देखो सर फिर क्या था, प्लस का बी स्क्वायर है और मैं बोल रहा हूँ बी की जगह चिपकाना आपको तीन को, तो तीन की घात दो हो गया। सर फिर माइनस का 2ab भी है तो 2 को चिपकाओ इन 2 लगाओ, ए ए की जगह मैं बोल रहा हूँ कि 2n को चिपकाओ और b की वैल्यू सर हमने तो लिया हुआ तीन। बिल्कुल आपका काम हो चुका है, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया सर। चलो आगे की कहानी में क्या है अब इसको समझते, देखो अब भी मैंने बताया कि ये जो घात दो है वो दो का भी है और एन का भी है तो दोनों का हम वर्ग करेंगे, तो दो की घात दो करूंगा तो ये सर ये हो जाता चार, अब एन की घात दो करूंगा तो सर ये हो चुका 4n स्क्वायर। बिल्कुल सर यहां तक की कहानी हमें समझ में आ चुकी है, ठीक है। चलो प्लस है तो प्लस, तीन के घात दो करेंगे सर ये होता 9, अब देखो दो का गुणा करेंगे दो से तो चार हो जाएगा, चार का गुणा करूंगा मैं तीन से तो यहां पर मुझे मिल चुका 12n। क्या मिल चुका? 12n मिल चुका। बिल्कुल सर यहां तक की कहानी समझ में आ चुकी है। चलो आगे को सॉल्व करते हैं, तो माइनस लगाया फिर ब्रेकेट लगाया, अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो वापस से वही कहानी दोहराएंगे, 2n पूरे की घात में क्या दो है तो जो घात दो है वो दो का भी है और एन का भी है, चलो अलग अलग करो तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर। अब यहां पर तीन की घात दो मतलब सर होता है 9, फिर माइनस के साथ क्या हो जाएगा दो का गुणा करेंगे दो से तो चार, चार का गुणा करेंगे तीन से तो क्या हो जाएगा चार या 12। बिल्कुल चिपका ये हो जाएगा 12, साथ में एन भी तो है, भूलना बिल्कुल नहीं, एन को छोड़ना नहीं है किसी को, आ जाओ। चलो अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, सब यहां पर माइनस चिन्ह का तीनों के साथ गुणा कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर दो, बिल्कुल कर दो, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का ये हो चुका 12n। फिर यहां पर देखो माइनस चिन्ह का गुणा करूंगा तो ये 4n स्क्वायर प्लस में था वो माइनस में चल गया, अब ये प्लस का 9 माइनस में चल जाएगा, क्यों? माइनस और प्लस, माइनस माइनस और माइनस, यहां पर सर ये हो चुका 12n। क्या मिल चुका? 12n मिल चुका। सर यहां पर हम 4n स्क्वायर और यहां पर माइनस का 4n स्क्वायर निपटा दूं क्या? बिल्कुल निपटा दो। सर यहां पर प्लस 9 और यहां पर माइनस का 9 इसको भी निपटा दे क्या? निपटा दिए, बिल्कुल निपटा दिए। अब यहां पर क्या क्या बचा है? तो यहां पर धन का 12n है और यहां पर भी धन का 12n है तो बैठे क्यों बच्चों, जोड़ो ना इसको, दोनों को जोड़ो ना, 12 और 12 क्या हो चुका 24n, 24n हमें मिल चुका सर 24n। क्या मिल चुका? 24n मिल चुका। यहां तक अगर आपने समझ लिया तो आपका अभी तक 50% काम हो चुका है, 50% काम हो चुका है। सर अब 50% में क्या करेंगे? हमें यह प्रूफ करना था कि यह जो है वो 8 का गुणनखंड है, 8 के पहाड़े पर आता है, इसको हमने सॉल्व किया तो छोटा रूप हमें मिल चुका है 24n मिल चुका है। फिर यहां पर आगे क्वेश्चन में अपनी नजर दौड़ाएंगे तो बोला गया था जहां n प्राकृत संख्या है। क्या बच्चों? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होते बच्चों? 1 से स्टार्ट होते, 1 2 3 4 5 और ये चलते अनंत की ओर। तो मैं क्या करूंगा n बराबर 1 2 3 4 5 रख कर देखते जाऊंगा और देखूंगा जो संख्या मिल रहा है वो 8 के पहाड़े पर आता है कि नहीं। अगर 8 के पहाड़े पर आया तो हम कह देंगे कि यहां पर जो लिखा था वो 8 का गुणनखंड है। अगर 8 के पहाड़े पर नहीं आया तो ये जो लिखा गया वो 8 का गुणनखंड नहीं है, लेकिन बिल्कुल 8 के पहाड़े पर ही आने वाला, क्योंकि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। आंसर हमें पहले से पता है, आंसर पहले से पता रहता है सिद्ध करने वाले में, तो यही तो फायदा ना कि आंसर पहले से पता है। आ जाओ लिखने मत बाकी, आ जाओ। चलो अब इसको मैं न्यू स्लाइड में आपको समझाता हूं। अब हमें यहां पर क्या करना है, ठीक है? बोला गया था कि यहां n एक प्राकृत संख्या है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं यहां n एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या। टाइम भले ही लग जाएगा लेकिन बच्चों एकदम धैर्य बनाकर रखे हो, बिल्कुल अपने कॉपी में इसको उतारते हुए चलो, लिखते हुए चलो। यहां n एक प्राकृत संख्या है, अतः मैं क्या करूंगा n बराबर प्राकृत संख्या को रखते जाऊंगा। और सर मुझे पता है कि प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 के बाद सर आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4 और ये ऐसे ही चलते जाएगा अनंत की ओर। रखने पर क्या करेंगे? रखने पर बिल्कुल रख देंगे, आ जाओ आ जाओ, जाओ देखो
ठीक है चलो तो रख कर देखते हैं क्या मिलेगा। तो सर हमारे पास था ये 24n, क्या था 24n था। मैं पहले n की जगह ना n की जगह मैं रखने जा रहा हूं एक को, मैंने क्या किया n की जगह रख दिया एक को। तो सर हम 24 का गुणा करेंगे एक से तो हमें मिल चुका 24। क्या मिल चुका बच्चों 24 मिल चुका। सर अब यहां पर कैसे पता चलेगा कि 24 जो है वो 8 के पहाड़े पर आता है कि भाई 8 का पहाड़ा किसको याद नहीं है, 8 या 24। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को मैं लिख सकता हूं 8 × 3। तो बिल्कुल यहां पर जो है 24n जो है 24n जो मिला था, अगर मैं n की जगह नेचुरल नंबर रख रहा हूं तो वो 8 के पहाड़े पर आ रहा है, 8 का गुणनखंड है बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। तो यहां पर फिर से मैं लिख रहा हूं 24n को। अब की बार मैं रखने जा रहा हूं n बराबर 2। n बराबर क्या रखा मैंने, 2 रखा। तो सर यहां पर अब क्या हो जाएगा, तो सर 24 दुना क्या होता है 48 होता है। अब 48 किसको याद नहीं है, 8 का पहाड़ा किसको याद नहीं है, 8×6 सर ये तो होता है 48, बिल्कुल 8×6 लिख दिया, यानी कि 48 जो वो 6 के पहाड़े पर आता है, यानी कि 24n, n की जगह मैं 2 रख रहा हूं प्राकृत संख्या रख रहा हूं तब भी 8 का गुणनखंड मिल रहा है। चलो एक लास्ट और चेक कर लेते हैं। देखो तीसरा, फिर से सर मैंने लिखा 24n को बराबर लगाया, अब की बार मैं n की जगह रख दिया 3 को, बिल्कुल सर रख दिया। अब इन दोनों को सर हल करेंगे तो यहां पर तो ये होता है 72, बिल्कुल हो गया 24 दिया होता है 72। अब 72 को सर हम लिख सकते हैं 8×9, बिल्कुल 8×9, यानी कि 72 भी 8 के पहाड़े पर आता है। 72 क्या है, 8 का गुणनखंड है, मतलब कि 24n भी 8 का गुणनखंड है जब हम n बराबर 3 रख रहे हैं। तो यहां पर बच्चों 3 एग्जाम्पल में हमने प्रूफ कर दिया है कि 24n जो है वो 8 का गुणनखंड है, और 24n कब आया था जब इसको हमने सॉल्व किया तब हमें छोटा रूप 24n मिला है। तो जब ये 8 का गुणनखंड है तो बिल्कुल ये भी 8 का गुणनखंड होने वाला है, प्रूफ हो चुका। अतः बस लास्ट टर्म में अपने आंसर को लिखो, आ जाओ छापो। अतः क्या हो जाएगा, देखो क्या दिया था हमें, क्या दिया था भैया 2n प्लस का 3 पूरे की घात में 2 था, माइनस फिर ब्रैकेट में क्या दिया था 2n माइनस का 3 पूरे की घात में 2 क्या है, का एक गुणनखंड 8 है, बिल्कुल ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, यही सिद्ध करना था, लास्ट टर्म चिपकाओ, यही सिद्ध करना था। कैसे गुणनखंड हो बच्चों, मैंने आपको हर एक चीजें एकदम डीपली समझा दिया है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर भी अगर कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ लेना, यही सिद्ध करना था। चलो तो देखो एक पेज बन जाएगा, 5 मिनट भी लगेगा, 3 मिनट ओनली 3 मिनट लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 3 मिनट और आपका 3 नंबर पक्के। आ जाओ, चलो आ जाओ, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आ चुका है, खूबसूरत सा क्वेश्चन यहां पर दिया गया, दो दो बार पूछ लिया गया, 18 पूछा गया था मन नहीं भरा तो 20 में भी पूछ लिया, अब मन नहीं भरेगा तो 23 में भी पूछने वाला, 23 में 10 स्टार छापो उसको, आ जाओ। चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला और हमें क्या निकालना है, सिद्ध करना, वापस से सिद्ध करना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध करना है कि किन्हीं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। कुछ भी खेल नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कहानी क्लियर है सर। आ जाओ देख लो, चिपका यहां पर हल, चिपका दी सर। अब क्या करेंगे, देखो क्या बोला गया था कि किन्हीं 3 क्रमागत संख्याओं का योग जो है वो हमेशा 6 का गुणज होता है। तो बच्चों हम यहां पर क्या करेंगे, हम 3 क्रमागत संख्याओं को मान लेंगे, माना 3 क्रमागत संख्याएं, आ जा बिल्कुल, माना 3 क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत संख्याएं, ठीक है। अब इसको कैसे मानेंगे, देखो सर ये हो जाएगा x प्लस 1, क्या बोला था यहां पर, बोला था 3 क्रमागत सम संख्याएं बोला था ना, तो मैंने मान लिया x प्लस 1 है पहला, दूसरा सर ये हो जाएगा x प्लस मैंने ले लिया 3, x प्लस 3। सर आपने x प्लस 2 क्यों नहीं लिया, अगर बच्चों मैं यहां पर x की जगह 1 रखूंगा तो 1 और 1 यहां पर 2 आ चुका, बिल्कुल सर 2 आ चुका, 2 क्या है सम संख्या, हमें सम संख्या ही लेना ना। अगर मैं यहां पर सपोज अगर मैं यहां पर x प्लस 2 लिखता और x की जगह 1 लिखता तो 1 और यहां पर धन का 2 क्या मिलता, 3 मिलता, 3 क्या है विषम संख्या है, जबकि मुझे लेना क्या है सम संख्या लेना है, इसलिए मैंने 1 का 1 के बाद मैंने 2 को छोड़ा, 1 का अंतराल लिया और मैंने लिया 3, 2 मैंने क्रमागत सम संख्या लिख दिया। एक और लिखेंगे तो अगला क्या हो जाएगा, x प्लस 4 लिखे तो आपका काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि भैया यहां पर अगर यहां पर आपने x की जगह 1 रखा और 1 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, हमें तो लेना है सम संख्या ना, तो 4 क्यों लोगे, 4 नहीं 5, एक का अंतराल करो, 3 के बाद 1 का अंतराल करो, तो 4 को छोड़ो 5 करो, तो 3 क्रमागत संख्याओं को बच्चों मैंने यहां पर लिख दिए हैं,
ठीक है, इतना काम कर लिया तो आपका 50% काम यहीं पर रहता है, इतना सोच लिया ना तो बिल्कुल आपका 50% काम हो चुका है। तो हमने क्या किया, माना तीन कर्मागत सम, माना तीन कर्मागत सम संख्या, लिख लो ना सम संख्या, यहां पर ऐड कर लेना, सम संख्या के बारे में बात हो रही थी। तो माना तीन कर्मागत सम संख्याएं एक्स प्लस वन, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फाइव है, बिल्कुल ये सब पहली लाइन क्लियर हो चुकी है। आ जाओ बिल्कुल अब आगे देखो, तो प्रश्नानुसार अब क्या बोला गया था कि तीनों कर्मागत संख्याओं का जो योग है ना वो छह का गुणज है। तो मैं क्या करूंगा, तीनों कर्मागत संख्याओं को जोड़ दूंगा प्रश्नानुसार, ठीक है, तीनों कर्मागत सम संख्याओं का योग, यहां पर चिपकाओ, तीनों कर्मागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। चल बच्चों तीनों को जोड़ देते हैं, देखो तो जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो सर हम कुछ जोड़ते हैं तो यहां पर दिया था x प्लस वन, फिर x प्लस थ्री है, फिर सर x प्लस फाइव है, चलो जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं जोड़ देते हैं। तो एक सा और ये एक सा, तीनों को जोड़ दिया सर तो हमें मिल चुका तीन एक सा मिल चुका, बिल्कुल एक और ये तीन, ये हो जाएगा सर चार, चार और ये पांच, ये सर हमें मिल चुका नौ। देखो अब यहां पर की कहानी थोड़ा सा सुनो, अब यहां पर सर यहां पर तीन है और यहां पर नौ को हम तीन गुना तीन लिख सकते हैं, यानी कि दोनों जगह से मैं तीन को निकाल लिया, भैया कॉमन तीन को निकाल लिया, कॉमन क्या बचा, तीन को कॉमन निकाल, तो यहां पर बचा हुआ एक्स प्लस, यहां पर हमने लिखा था तीन को नौ को तीन, तीन गुना तीन लिखे थे, एक तीन को मैंने कॉमन निकाल, अभी भी एक तीन बैठा हुआ है, बिल्कुल चुपका यहां पर, ये सर हमें मिल चुका है तीन ब्रैकेट में एक्स प्लस थ्री मिल चुका, बिल्कुल सर यहां तक की कहानी में समझ में आ चुकी है। अब क्या करेंगे, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, एक्स बराबर अलग अलग मान रखते जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि ये जो मिलेगा, जो भी संख्या प्राप्त होने वाली है वो छह का गुणज है कि नहीं, छह के पहाड़े पर आता है कि नहीं। तो बच्चों सोचना हमें यहां से है कि एक्स का सर हम मान क्या क्या रखेंगे, और बोला क्या गया था सम संख्या, हमेशा सम संख्या आना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं अगर एक सब बराबर यहां पर एक रखा, एक सब बराबर अगर मैं यहां पर एक रखूंगा तो एक और तीन मिलकर क्या हो जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो चार मिलेगा, चार बिल्कुल सम संख्या है। तो हम रखेंगे पहला तो एक सब बराबर एक, उसके बाद मैं अगर एक सब बराबर नेक्स्ट स्टेप में अगर दो रखा, दो रखूंगा तो दो और तीन दोनों जुड़कर सर मिल जाएगा मुझे पांच, लेकिन मुझे तो सम संख्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए सम संख्या चाहिए, तो मैं दो को तो नहीं रखने वाला हूं, मैं अगली बार क्या रखूंगा तीन को रखूंगा, तो तीन और तीन दोनों जुड़ क्या हो जाएंगे छह हो जाएंगे और छह सम संख्या। तो यहां पर थोड़ा सा दो सेकंड के लिए आपको रुककर सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सर हमने यहां पर सोच लिया, चलो आ जाओ बिल्कुल न्यू स्लाइड में आ जाओ, अब यहां से इसको उड़ा देंगे। तो एक से बराबर एक रखेंगे, तीन रखेंगे, पांच रखेंगे, सात रखेंगे, समझ में आ गया, हम एक एक के अंतराल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए सम संख्या था, ठीक है। रखने पर आ जाओ बिल्कुल रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो पहले में हमें दिया गया था सर तीन, एक बार मैं उसको उतार लेता हूं, एक्स प्लस थ्री था ये दिया गया था, पहले मैं क्या करूंगा तीन को लिखा एक्स की जगह, मैं अब चिपका रहा हूं एक को, प्लस का तीन बराबर देखो, चलो तो तीन और यहां पर धन का एक दोनों जुड़ जाएंगे तो चार मिलेगा, चार तिया ये सर हो जाएगा बारह, हमें देखना है कि बारह जो है वो छह के पहाड़े पर आता कि नहीं। तो कौन से बच्चे को छह के पहाड़े याद नहीं है, बारह को हम लिख सकते हैं छह गुना दो, बिल्कुल सर छह जो बारह वो छह के पहाड़े पर आता है, बिल्कुल सर यहां तक की कहानी हमें समझ में आ चुकी है, अच्छे से समझ में आ चुकी है। चलो दूसरा मैं एक से बराबर तीन रख कर देखता हूं, तो ये हो जाएगा तीन एक सा, इसको पहले मैं छाप देता हूं, छाप दे सर बिल्कुल बराबर तीन, एक्स की जगह लिखो तीन को, एक्स की जगह सर हमने लिखा तीन को, ठीक है बराबर। तो तीन और तीन को जोड़ेंगे तो सर ये हो जाएगा छह, छह का गुणा करेंगे तीन से तो सर हमें मिला हुआ अठारह, अठारह भी छह के पहाड़े पर आता है, कितने बार में आता है तीन बार में आता है, छह तीन अठारह, बिल्कुल हमने अठारह को छह गुना तीन लिख दिया, यहां तक की कहानी समझ में आ चुके हैं। चलो एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है एक बार मैं फिर इसी को छापता हूं, तीन फिर ब्रेकेट में एक्स प्लस थ्री, अब की बार मैं एक्स बराबर पांच रखकर देखने वाला हूं, ठीक है तीन एक्स की जगह रखो पांच, पांच धन ये हो जाएगा तीन बराबर, पांच और तीन जोड़ेंगे तो ये उत्तर हो जाएगा आठ, आठ का गुणा करेंगे तीन से तो सर हमें मिल चुका आठ या चौबीस, बिल्कुल अब बताओ मुझे चौबीस जो है वो छह के पहाड़े पर आता है कि नहीं, बिल्कुल सर आता है, कितने बार में छह चौक चौबीस, कितना छह चौक चौबीस हो गया, बिल्कुल तीन लिख दिया आपका बस काम तमाम, बस इतने मेरे को, चाहे तो आप सात रखकर नौ रखकर ग्यारह रखकर भी चेक कर सकते हो, हमेशा जो भी संख्या मिलेगी ना वो छह का ही गुणनखंड मिलने वाला है, छह के ही पहाड़े पर आने वाला है, लेकिन हम उतना टाइम नहीं, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, बस हमने तीन को रखा तीन को चेक किया और हमने देख लिया सर कि हमेशा हमें जो संख्या मिल रही है वो छह के पहाड़े पर आ रहा है, छह का गुणनखंड है, मतलब कि बच्चों तीन एक सधन तीन, तीन ब्रैकेट में एक सधन तीन जो है वो छह का एक गुणनखंड है, क्या है छह का एक गुणनखंड है। अब यह हमें मिला कैसे था,
हमने इसको माना हुआ था सम संख्याओं का क्रमशः, तब ये मिला हुआ था, हमने माना हुआ था ना तीनों को जोड़ हमें यह मिला था। यानी कि बच्चों हम यहां पर यह कह देंगे कि बिल्कुल तीन क्रमागत संख्याओं का जो योग होता है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का जो योग होता है वो छह का गुणज होता है। बिल्कुल ये आपका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सर लिख देंगे, आ जाओ आ जाओ, देखो देखो। अतः तीन क्रमागत संख्याओं का योग, अतः तीन क्रमागत संख्याओं का योग हमेशा छह का गुणज होता है, छह का गुणज होता है, यही सिद्ध करना। बिल्कुल लास्ट लाइन में चिपका दो, बिल्कुल यही सिद्ध करना था। यह फॉर्मेट आपका होना चाहिए, तभी आपको तीन में तीन नंबर मिलने वाला है, अदरवाइज आपके नंबर कटने के चांसेस हो सकते हैं। बिल्कुल हम एक नंबर क्या आधा नंबर भी कटने नहीं देंगे, पूरा में पूरा नंबर लेकर रखेंगे, सौ में सौ नंबर लेकर रखेंगे। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि सर हमें पूरा सौ में सौ नंबर लेना है। बिल्कुल आपको ये तीन में तीन अंक दिलाने वाली है। प्रश्न क्रमांक दो को भी हमने समझ लिया, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आ चुका है, खूबसूरत सा दिखने वाला। चलो इस प्रश्न को भी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या दिया गया और हमें क्या निकालना है। सिद्ध करना है कि किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है वो हमेशा चार का गुणज होता है। तो बच्चों याद कीजिए, हमारे पिछले वाले प्रश्न की तरह ही होने वाला है। वहां पर बोला गया था कि किन्हीं तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है हमेशा छह का क्या होता है, गुणज होता है। यहां पर बोला गया है दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है वो चार का गुणज होता है। तो पिछले वाले प्रश्न की ही तरह बनने वाला, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आ जाओ। इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल आ जाओ। सबसे पहले यहां पर लिखो हल, फिर क्या बोला गया था, दो क्रमागत संख्याओं के बारे में बोला गया था ना, तो हम दोनों क्रमागत विषम संख्याओं को पहले तो मान लेते हैं। माना दो क्रमागत विषम संख्या, बिल्कुल बच्चों देख लो, माना दो क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक है, विषम संख्याएं। अब देखो क्या क्या मानेंगे, क्या क्या मानेंगे, देखो बच्चों, अगर मुझे पता, अगर मुझे पता है कि अगर मैं किसी सम संख्या में, अगर किसी संख्या में हम, अगर किसी सम संख्या में एक जोड़ देते हैं या फिर विषम संख्या जोड़ देते हैं, तो हमेशा हमको क्या मिलता है बच्चों, हमेशा हमको विषम संख्या ही प्राप्त होती है। तो देखो 2x जो है वो क्या है, वो सम संख्या हमेशा आपको देने वाली है। 2x जो है वो हमेशा आपको सम संख्या ही देने वाली है। x की जगह आप कुछ भी मान रखेंगे, x की जगह आप एक रखें, दो रखें, कुछ भी मान रखेंगे, हमेशा आपको सम संख्या ही मिलने वाली है। इस सम संख्या में अगर हम एक जोड़ देंगे, विषम संख्या को मैंने जोड़ दिया, तो अब क्या मिलेगा रिजल्ट सर, हमें विषम संख्या देने वाली है, और हमें चाहिए भी क्या, विषम संख्या ही चाहिए। तो थोड़ा सा यहां पर रुककर आपको सोचना है, हमने पहले विषम संख्या को मान लिया, दूसरा क्या मानेंगे, देखो तो इसको तो 2x सही लेंगे, ठीक है, इसमें एक और हम जोड़ देंगे क्रमागत बोला गया ना, तो एक अगर मैं यहां पर ऐसा लिखा 2x प्लस 2 लिखा, तो बच्चों आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रख के देखो ना, x की जगह यहां पर अगर हमने एक रखा, तो दो का गुणा करेंगे एक से, तो दो मिला, धन का दो हो जाएगा, बराबर ये मिल चुका चार, हमें तो चाहिए विषम ना, तो हम क्या करेंगे, एक के बाद हम दो को छोड़ेंगे, पहुंचेंगे तीन पर, तो यहां पर आ जाएगा तीन। चाहो तो यहां पर भी चेक कर लो, एक से की जगह रखो एक, तो दो का गुणा हो जाएगा सर एक से, तो दो एक कम दो, धन का तीन, बराबर ये हो जाएगा पांच, और हमें विषम संख्या ही चाहिए था। तो इस तरह से आपका खेल, मेन खेल यहीं पर होने वाला है, मेन जो खेल है वो यहीं पर। बिल्कुल इतना कर लिए तो बाकी तो आपके लिए हलवा हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, प्रश्न अनुसार लगाते हैं। देखो प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न अनुसार क्या बोला गया था, दोनों क्रमागत विषम संख्याओं का हमें योग निकालना, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो हम यहां पर करेंगे दोनों क्रमागत विषम संख्याओं का योग, दोनों क्रमागत विषम संख्याओं का योग, बिल्कुल विषम संख्याओं का, चलो थोड़ा सा स्पीड करते हैं, विषम संख्याओं का योग। तो देखिए बच्चों योग करेंगे, योग निकालने वाला, आ जाओ योग कैसे निकालेंगे, बराबर पहला क्या था, ये था सर 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 था, इसमें जोड़ेंगे दूसरे वाले विषम संख्या को, 2x प्लस 3 को मैंने जोड़ दिया, चलो तो 2x और 2x दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा सर 4x, एक और ये तीन दोनों को जोड़ दिए सर, तो हमें मिल चुका चार। देखो चार यहां पर भी, चार यहां पर भी, चार को मैंने निकाल लिया कॉमन, एक से यहां बचा, अब यहां पर कुछ नहीं, मतलब कि एक बचेगा, क्या बचेगा, कॉमन निकालते हैं तो एक बचता। बिल्कुल सर यहां तक की कहानी में अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम एक से के अलग अलग मान रखेंगे और देखेंगे कि कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, वो जो संख्या है वो चार का गुणज है कि नहीं, चार के पहाड़े में आता है कि नहीं। बिल्कुल अब कैसे करेंगे, देखो
फिर से यहां पर 2 सेकंड के रुकना और सोचना कि सर हमें 1 सक्का क्या क्या मान रखना है, हमें चाहिए क्या, हमें विषम संख्या चाहिए, तो इस ब्रैकेट में आपका विषम संख्या मिलना चाहिए, ऐसी आपको x की वैल्यू रखना है। अगर मैं यहां पर x बराबर 1 रखा, एक से बराबर अगर मैंने 1 रखा तो 1 और 1 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी कि मुझे ये 2 तो चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए विषम संख्या, तो मैं यहां पर 1 नहीं रखूंगा। अगर मैं यहां पर 2 रख दूंगा तो 2 और 1 जुड़कर क्या बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, 3 क्या विषम संख्या है, तो हम रखने वाले 1 से बराबर 2। कहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों, 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 के बाद 1 अंतराल लेंगे, 4 6 8 इस प्रकार से रखने वाला है। थोड़ा सा सोच लेना, बिल्कुल जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो चलो अब इसको मैं इस साइड आपको बताता हूं, देखो तो अब हम क्या करने वाले हैं, 1 से बराबर 2 रखेंगे, 4 रखेंगे 6 रखेंगे, 8 रखेंगे, फिर 10 रखेंगे, तो इतने सारे तो रखेंगे नहीं, फिर ऐसे डैश डैश करके लिख देना है रखने पर। चलो रखते जाते हैं, बिल्कुल रखने पर, तो एक बार यहां पर जो मिला हुआ है उसको मैं लिख देता हूं 4, फिर 1 से धन 1 है बराबर, 1 से की जगह मैं पहले तो रखने जा रहा हूं 2 को मैंने रखा, तो ये हो जाएगा धन का 2, फिर धन का 1 भी हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 2 और 1 ये हो जाएगा 3, 3 का गुणा करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 12। अब आपको देखना है कि जो 12 वो 4 के पहाड़े पर आता है कि नहीं, 4 का गुणा से कि नहीं, बिल्कुल सर हमें 4 का पहाड़ अच्छे से पता है, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 3, बिल्कुल 12 जो है वो 4 का गुणा है। चलो एक बार और देख लेते हैं, बिल्कुल तो 4 1 से धन 1 को मैंने उतारा, फिर देखो बराबर 4। अब यहां पर 1 से की जगह मैं अब रख रहा हूं 4 को, धन का ये 1 हुआ, 4 और 1 दोनों को जोड़ दी सर तो ये हो जाएगा 5, 5 का गुणा करेंगे 4 से तो 5 चौक मुझे मिल चुका 20। अब हमें देखना कि 4 का गुणा है कि नहीं, बिल्कुल सर होता है, 4 गुणा हमने यहां पर कर दिया 5, बिल्कुल यहां तक की कहानी में समझ में आ चुकी। चलो एक बार और रख कर देखते हैं, तो फिर से मैंने उसका उतारा 4, 1 से धन 1 उतारा बराबर, 4 को लिखा, अब 1 से की जगह अब आपको रखना 6 को, किसको, 6 को रख दो, ये हो जाएगा 6 धन 1, 6 धन 1 बराबर, ठीक है। अब देखो तो सर 6 और 1 को जोड़ेंगे तो ये तो होगा जगह 7, 7 का गुणा करेंगे हम 4 से तो 7 चौक ये होता है 28। अब मुझे बता दो कि ये जो 4 के पहाड़े पर आता है कि नहीं, तो बिल्कुल बच्चों ये आता है, कितने बार मैं तक किसको, कौन से बच्चों को पहाड़ा याद नहीं है, 7 चौक सर ये होता है 28, यानी कि 4 7 हम लिख सकते हैं 28, बिल्कुल यहां तक की कहानी सर हमें समझ में आ चुकी है। बस अब चाहो तो आप 8 रख कर देख सकते हो, 10 रख कर देख सकते हो, 12 रख कर देख सकते हो, हमेशा आपको क्या मिलने वाली है, यहां पर जो भी संख्या मिलेगी वो 4 का ही गुणज मिल रहा है, 4 का ही क्या मिल रहा है बच्चों, गुणज मिल रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि क्या कहेंगे कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग होता है वो हमेशा 4 का गुणज होता है। बस ये लाइन लास्ट लाइन में आपको छापने की जरूरत है, छाप दो। अतः 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग हमेशा हमेशा 4 का गुणज होता है, 4 का गुणज होता है, ये होना चाहिए आपका फाइनल आंसर। लास्ट में लिखोगे यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, पूरा अच्छे से जमा के लिखोगे, हर स्टेप को फॉलो करोगे तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलने वाला है, आपका 100 में 100 नंबर आने वाला है, ये मेरी गारंटी होने वाली, बिल्कुल। इस तरह से बच्चों आज की इस क्लास में हमने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बता दिया, जो कि आपके परीक्षा में 3 नंबर के लिए बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। आज की इस क्लास को बच्चों हम यहीं पर खत्म करेंगे, आज जो मैंने पढ़ाया बिल्कुल प्रैक्टिस करना है, अपने फेयर कॉपी पर नोट डाउन करना है। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो बिल्कुल लाइक करना, कमेंट करना है, दोस्तों तक शेयर करना है। मैं मिलूंगा इसके पार्ट नंबर 3 पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।